हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की, जो कि भोलेनाथ का दिन होता है। तो देखने वाले हैं 10 मार्च को होता है ये या 11 मार्च को, कब है की बार, क्या महत्व है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले सबसे पहले। तो महाशिवरात्रि का व्रत इस बार 11 मार्च को है, यानी कि थर्सडे, बृहस्पतिवार को। वैसे तो हर मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को, चतुर्दशी को मास शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को पड़ने वाले महाशिवरात्रि का काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग पूरे दिन उपवास रखकर भोलेनाथ की उपासना करते हैं। भगवान शिव तो वैसे ही तंत्र के महादेव हैं, जो अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं और उनकी हर तरीके से रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव ज्योति प्रकट हुई थी और शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह दिन बहुत ही ज्यादा पावन है। व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? महाशिवरात्रि जो कि 11 मार्च 2021 को है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की, तो इसमें जो मुहूर्त रहेगा वो आपका दोपहर 12:08 से 12:55 तक रहेगा। ये अभिजीत मुहूर्त है और महाशिवरात्रि का पर्व शिव योग में मनाया जाएगा। इसमें आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है महाशिवरात्रि के लिए? गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चावल, रोली, कलावा, जनेऊ की जोड़ी, फूल, अक्षत, बिलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, आग का पुष्प, दुर्वा, धूप, दीप, चंदन, नवेद, ये सब आपको जरूरत पड़ती है। तो महाशिवरात्रि व्रत की विधि का प्रातः काल स्नान ध्यान करके मन में भगवान शंकर का नाम लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान शिव का विधिवत पूजन करने से भस्म का तिलक लगाएं और इस व्रत में चारों पहर पूजन किया जाता है। प्रत्येक पहर में आरती और ओम नमः शिवाय तथा शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। संभव हो तो शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक अवश्य करें। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुए थे, ये माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही महाशिवरात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा के रुद्र रूप में अवतरण हुआ था। महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि प्रलय की बेला में इस दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं और इसीलिए महाशिवरात्रि अथवा इसको कालरात्रि भी कहा जाता है। तो जय भोलेनाथ की। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय या बम बम बोले, जय भोलेनाथ, जिस भी तरीके से आप स्मरण करते हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको महाशिवरात्रि की कथा भी मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नई जानकारी के साथ। तो भोलेनाथ आप पर कृपया बनाए रखे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय शिव जी।